इस वीडियो में अभ्यास एक एक को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करना है तो कुछ 4/5, ये माइनस प्लस है तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आगे आ जाएगा, माइनस 2/5। अभी हमारे आंसर क्या है, सेम है, तो क्या करेंगे 5 तो 4 - 2 बराबर 2/5, ये इसका आंसर हो गया। अब इसमें क्या होगा, देखो माइनस से माइनस कट जाएगा तो 4/5, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अगर ये माइनस आ जाएगा आगे तो 2/5, ये सेम है हमारे तो इसको 4 - 2 बराबर 2/5, ऐसे इसको सॉल्व करना है। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, 3/4 - 3/2। अब इसका हमें एलसीएम लेना है 4 और 2 का। 4 और 2 का जब हम एलसीएम लेंगे, 2 * 4 = 2, तो इसका एलसीएम आएगा 4। तो 3 - ये 2 बार गया तो 6, मतलब माइनस का 3/4, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन है, इसको माइनस माइनस कर जाएगा तो ये इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, माइनस का 5/6 ये माइनस कर जाएगा तो 4 और 6 का एलसीएम लेंगे हम, तो 2 * 2 = 4 तो 6, 2 * 1 = 2 = 3, 3 * 6 = 12, तो एलसीएम कितना आ गया, 12 हो गया, 3 * 3 = 9 - 10, मतलब माइनस का 1/12 इसका आंसर हो गया। अभी बोला हर का लासा लेकर सरल करो, तो 12 और 16 का जब लासा लेंगे हम, 12 और 16 का लासा, तो देखो 4 * 3 = 12, 4 * 4 = 16, 3वां चला गया, ये 4 बार, तो 4 * 4 = 16 = 48, तो लासा कितना हो गया, 48 हो गया, तो 12 * 4 = 20 माइनस 16 * 3 = 48, ये 21 कितना हो जाए, माइनस के 1/48 और 33, इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 33 हो जाएगा इसका एलसीएम, तो ये 3 * 3 = 9 माइनस ये चला गया 4 बार, ये 9 * 4 = 5/33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान ज्ञात करना है इसका, तो 2 - 11/9 इसको लिख सकते हैं, 9 * 18 माइनस 11/9 कितना बचा, 7/9, इसका आंसर हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं, -3 + 2/3, तो 3 - 2/3, 3 * 3 = 9 - 2 का कितना बचा, 7/3, ये इसका सॉल्यूशन हो गया।